हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एरिया की ज़मीन का सर्किल रेट ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अपना जीमेल अकाउंट साइन इन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही दोस्तों आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिए स्टाम्प रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश और सर्च कर दीजिए। अब नीचे आप देख रहे हो, होम ऊपर जो है होम पेज IGR SUP स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट UP की मेन साइट है। उसमें नीचे की तरफ आप देखोगे कैटेगरी में मूल्यांकन सूची, इस पर क्लिक कीजिए मूल्यांकन सूची पर। और जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस पेज पर आ जाओगे। इसका डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको ओपन करोगे तो उस लिंक पर क्लिक करोगे, सीधा इस पेज पर आ जाओगे, ठीक है ना। अब इसमें दोस्तों जनपद, जनपद होता है डिस्ट्रिक्ट, तो वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लीजिए जिस एरिया की ज़मीन का आप सर्कुलेट चेक करना चाहते हैं। तो हम इसमें गाजियाबाद चूज कर लेते हैं, तो गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद चूज कर लिया। उसके बाद ऑफिस कार्यालय चूज कर लीजिए, कौन से कार्यालय के अंडर वो ज़मीन आती है वो चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कैप्चा वर्ड डालिए, जो इसमें लिखा हुआ है, जो भी आपके सिस्टम में आ रहा है वो इसमें डाल दीजिए। उसके बाद मूल्यांकन सूची देखे पर क्लिक करें। और उसके बाद दोस्तों, अब इसमें मूल्यांकन सूची की अवधि दे रखा है 8 अगस्त 2018 से, 8 अगस्त 2018 से ये लागू है। और मूल्यांकन सूची की प्रति, प्रति देखे पर जब क्लिक करोगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है ना, PDF पर डाउनलोड हो रही है। अब दोस्तों, ये जो सर्किल रेट है, ये जो PDF है, इसमें जो सर्किल रेट है वो 8 अगस्त 2018 से लागू हुआ है। तो हम उस PDF को देख लेते हैं जो डाउनलोड हुई है हमारी, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी ये डाउनलोड हो गई है, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। और अब देख रहे हो दोस्तों, ओपन हो गई है हमारी PDF फाइल। तो हम इसको, ठीक है ना, सीधा करने के बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए इसको अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, और नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए इसको, ठीक है ना। अब दोस्तों, ये दोस्तों सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया हुआ वी कोड है इसमें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये खत्म हो गए, वी कोड खत्म हो गए, प्रयुक्त किए जाने वाला सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी कोड, ठीक है, वी कोड यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद जब नीचे प्रारूप टू देखोगे जब आप, तो ये रेट दिए हुए है 25,000, 26,000, 528,000। और ये जो दोस्तों रेट दिए हुए है, ये प्रति वर्ग मीटर रेट है, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर में 25,000, 25,000 में प्रति वर्ग मीटर जमीन आपको मिलेगी, ठीक है ना, उसके हिसाब से है। अब ऊपर है, अब इसमें भी ये है कि 9 मीटर प्रति 30 फिट तक चौड़े रास्ते पर बेसिक दरें, तो ये बेसिक रेट 9 मीटर पर 30 फिट तक चौड़े रास्ते पर ये बेसिक रेट है। उसके बाद दोस्तों 9 मीटर और /30 फिट से अधिक वह 18 मीटर या 60 फिट तक चौड़े रास्ते पर बेसिक रेट है 26,500। और उसके बाद दोस्तों 9 मीटर या 30 फीट से अधिक वह 18 मीटर या 60 फीट तक चौड़े रास्ते पर 28,000 के बेसिक रेट है ज़मीन के। अब इस तरीके से आप दोस्तों, आप लिस्ट में जहाँ की भी आप देखना चाह, गाजियाबाद में, तो उसमें देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, रेट वगैरह। अब दोस्तों अभी हम चल रहे हैं प्रथम, जो सदर प्रथम है, इसी तरीके से आप गाजियाबाद में सदर द्वितीय तृतीय वो आप देख सकते हो। लेकिन आपको ये चेक कर लेना कि जो आप जमीन देख रहे हो वो कौन से कार्यालय में है, ठीक है, कौन से कार्यालय के अंडर आती है, कौन से सदर में है, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वो इसमें मिल जाएगा आपको। जिस कार्यालय का भी आप सेलेक्ट करोगे वो PDF डाउनलोड हो जाएगी, और उसके बाद आप देख सकते हो
सारे एरिया जो है उसके अंडर में जितना भी एरिया है उस सब की जमीन आ जाएगी, ठीक है। जैसे देव हाइट्स के प्लॉट की दर है 30,000, 30,000 वो है जो 9 मीटर/30 फीट तक चौड़े रास्ते पर बेसिक रेट है 30,000 इसमें, ठीक है, देव हाइट्स के प्लॉट की। उसके बाद 30,500 है 9 मीटर/30 फीट से अधिक वह 18 मीटर/60 फीट तक चौड़े रास्ते पर बेसिक रेट है 30,500। उसके बाद 31,000 है 9 मीटर/30 फीट से अधिक वह 18 मीटर/60 फीट तक चौड़े रास्ते की। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी हमने सदर प्रथम का देखा है, अगर आप सदर द्वितीय का देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। द्वितीय पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इस कैप्चा वर्ड को डालिए, उसके बाद मूल्यांकन सूची देखे पर क्लिक करोगे तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। अगर आप लोनी का देखना चाहते हो तो इसी तरीके से लोनी चूज कर लिया हमने, PXN कर लेते हैं इसमें, YMP ये कैप्चा वर्ड डाल देते हैं, उसके बाद मूल्यांकन सूची देखे पर क्लिक करते हैं, दोबारा डालते हैं कैप्चा वर्ड HKRXBG। लोनी में अपलोड नहीं है तो हम सदर चतुर्थ का करते हैं PEX, मूल्यांकन सूची देखे पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें लोड हो गई है, इसमें सूची लोड है हमारी, इसलिए ये लोड होके आ गई है। लोनी में सूची लोड नहीं थी इसलिए लोड होके नहीं आई थी, ठीक है ना। मूल्यांकन सूची को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों अगर आप ये देखना चाहते हो पहले क्या रेट थे तो उसके बाद इसमें देख लेना, पूर्व की मूल्यांकन सूची देखे पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें पहले के सारे रेट आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि 1/8/2014 में क्या रेट थे, यानी 1/8/2014 से 31/7/2015 तक क्या रेट थे, प्रति देखे पर जब आप क्लिक करोगे तो वो रेट आपको दिख जाएंगे उस जमीन के, ठीक है। 2010 में क्या रेट है, 2017 में क्या रेट है, वो सब देख लीजिएगा आप। अगर आप गौतम बुद्ध नगर की देखना चाहते तो इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर इसमें चूज कर दीजिए, ठीक है ना। गौतम बुद्ध नगर चूज करने के बाद उसमें कार्यालय चूज कर लीजिए, कौन से कार्यालय में है, जेवर में है तो जेवर चीज चूज कीजिए। उसके बाद EMNTHF जो भी कैप्चा वर्ड है वो इसमें डाल दीजिए, कोई मोर मूल्यांकन देखे सूची पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है 8 अगस्त 2019 को जो रेट है वो इसमें आ जाएंगे, 8 अगस्त 2019 के नए रेट आ जाएंगे इसमें, प्रति देखे पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप प्रति देखे पर क्लिक करें उसके बाद ठीक है सेव फाइल्स पर क्लिक कर लेते हैं और ओके कर देते हैं, और उसके बाद डाउनलोड देख लेते हैं हो रही है या नहीं। तो डाउनलोड हो गई है हमारी फाइल, ओपन कर लेते हैं इसको। तो ये अभी तिरछी आ रही है, हम इसको सीधी कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करके। उसके बाद ये आ गया नोटिफिकेशन टाइप का, हो गया हमारा, यानी यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया कोड, ये कोड है ठीक है। वी कोड के बाद ही हमारे सर्कुलेट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सर्कुलेट स्टार्ट हो गए हमारे यहाँ से नीचे से, पेज नंबर कितना है ये, 35वें पेज है, टोटल 112 पेज है इसमें। तो अब हमारा ये इसमें प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय भूखंड, तो इसके रेट है प्रति वर्ग मीटर 16,000 के रेट है यहाँ पे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे आप, नीचे करते हुए जाओगे तो अब आप देख रहे हो इसमें अनाज मंडी, ये वी कोड हो गया 001, अनाज मंडी मोहल्ले का राजस्व का नाम, अनाज मंडी जेवर नगरीय, सड़क पर 12,000 है, सड़क से दूर 11,000 के रेट है, और निर्मित एकल दुकान वाणिज्य का अधिष्ठान हेतु भूमि की दर प्रति वर्ग मीटर 93,000 है, इसके 15,000 है, ठीक है ना। इसमें इस तरीके चेक कर लीजिए, अपना एरिया देख लीजिए किस एरिया में आपकी ज़मीन है, अब उसका उसके हिसाब से इसमें आप देख सकते हो कि क्या रेट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप उत्तर प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप ज़मीन के सर्किल रेट चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको।
और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो बस बस दोस्तों, मिलता है, अगर कोई भी आपको डाउट है ना तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।